Now students, I am going to explain next paragraph of the lesson. However, they managed to find a place. फिर भी उन्होंने क्या किया, एक प्लेस उन्होंने एक जगह पा ली, उन्होंने एक जगह देख ली दैट वुड डू, जिसमें कि वह रह सकता था, वो कैदी रह सकता था. एंड दे पुट द यंग फेलो देयर एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम. और उस कैदी के लिए, यंग फेलो किसके लिए आया है, कैदी के लिए, उसमें उसे रखा गया. एंड द प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम, और उसकी देखभाल के लिए एक गार्ड भी लगा दिया गया था, कहीं ऐसा ना वो भाग जाए. द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल. गार्ड को क्या देखना था, क्रिमिनल को देखना था. एंड हैड ऑल्सो टू फैच हिज फूड, और उसे भोजन भी देना था. फ्रॉम द पैलेस किचन, जो महल में किचन थी वहाँ से. द प्रिजनर रिमेंड देयर मंथ्स आफ्टर मंथ टिल अ ईयर हैड पास्ट. और जो कैदी था वो वहाँ कई महीनों तक रहा, जब तक कि एक साल बीत नहीं गया. बट वेन अ ईयर हैड पास्ट, लेकिन जब एक साल बीता. द किंगलेट लुकिंग ओवर द अकाउंट ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जो किंगलेट था, जो राजा था, लुकिंग ओवर द अकाउंट, उसने क्या देखा, अकाउंट के लिए देखा. ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अपनी आय का और व्यय का अकाउंट देखा. वन डे नोटिस्ड अ न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर. फिर उसने क्या देखा कि उसमें एक नया आइटम जुड़ा हुआ था एक्सपेंडिचर का. दिस वॉज द फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल, जो किसके लिए था, उस अपराधी के लिए था. नॉर वाज इट अ स्मॉल आइटम आइदर, इतना कोई आज तक का कोई छोटा आइटम नहीं था. देयर वॉज अ स्पेशल गार्ड, उसके लिए उस आइटम में क्या किया था, एक स्पेशल गार्ड था. एंड देयर वॉज ऑल्सो द मैंस फूड, और उस व्यक्ति के भोजन के लिए भी गार्ड किया हुआ था. इट केम टू मोर देन 600 francs अ ईयर, और इसमें लगभग 600 francs से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ, 600 francs से ज़्यादा का खर्च हुआ. एंड द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट फेलो वॉज स्टिल यंग एंड हेल्दी, और इससे बुरा ये था कि वो यंग फेलो था, जो कैदी था, वो अभी भी कैसा था, यंग था और हेल्दी हो गया था. एंड माइट लिव फॉर 50 years, और कितने का दिख रहा था, 50 year का लग रहा था. वेन वन केम टू रेकन इट अप द मैटर वॉज सीरियस, जब ये उसकी जानकारी में आया तो ये मैटर और भी सीरियस हो गया. इट वुड नेवर डू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये राजा ने सोचा. सो द किंग समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड टू देम, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स के लिए सम्मन किया, मिस कॉल किया, बुलाया. एंड सेड टू देम, और उनसे कहा, यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे ऑफ डीलिंग विद हिज रास्कल, आपको कुछ चीपर वे देखना चाहिए, कोई सस्ता रास्ता देखना चाहिए, जिससे कि उस बदमाश को डील किया जा सके. द प्रेजेंट प्लान इज टू एक्सपेंसिव, जो अभी जो प्लान चल रहा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है. एंड द मिनिस्टर मेट एंड कंसीडर्ड एंड रिकंसीडर्ड, और फिर जब मिनिस्टर सब इकट्ठे हुए, उन्होंने इस मामले को समझा जाना. टिल वन ऑफ देम सेट, उनमें से फिर एक ने कहा, जेंटलमैन इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, वी मस्ट डिसमिस द गार्ड, हमें गार्ड के लिए हटा देना चाहिए. बट देन रिज्वाइंड अनदर मिनिस्टर, तभी दूसरे मिनिस्टर ने कहा, द फेलो विल रन अवे, जो कैदी है वो तो भाग जाएगा. वेल सेड द फर्स्ट स्पीकर, इसीलिए पहले फिर मंत्री ने कहा, लेट हिम रन अवे, उसे भाग जाने दो. सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ देयर डिलीबरेशन द किंगलेट, और ऐसी उन्होंने ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट का रिजल्ट अपने राजा के सामने प्रस्तुत किया. एंड ही एग्रीड विद देम, और राजा भी उससे सहमत हो गया. द गार्ड वॉज डिसमिस्ड, गार्ड के लिए हटा दिया गया. एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और वो इंतजार करने लगे कि अब आगे क्या होगा, ये कैदी भागेगा या नहीं भागेगा. थैंक्स स्टूडेंट.